हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। समग्र प्रोडक्शन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ HTC One हाइग्रोमीटर। तो फ्रेंड्स, इसके ज़रिए आप टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और टाइम भी देख सकते हैं। तो पहले फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं खोलूँगा इस बॉक्स को। तो बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा इस तरीके का हाइग्रोमीटर। तो ये है HTC One मीटर। तो इसको ऑन करने के लिए आपको लगेगा एक बैटरी जो इस तरीके है। तो मैं बैटरी लगा दिया, देखिए आ गया है। तो ये है टेम्परेचर, मेरे रूम का जो टेम्परेचर है, और ये है ह्यूमिडिटी, और ये है क्लॉक। तो इसको आप कुछ सेटिंग करना नहीं है, सिर्फ आपको टाइम जो है उसको सेटिंग करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। और ये ऑटोमेटिकली दिखाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मोड ऑप्शन, एडजस्ट ऑप्शन और मेमोरी जो ऑप्शन है, ये तीन ऑप्शन मिलेगा। तो इसके आपको कोई काम पे नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, सिर्फ आपको ये जो क्लॉक है उसको सेटिंग करना है अगर आप विश करते हैं तो। अगर आप क्लॉक सेटिंग करना चाहते हैं तो आपको इस मोड ऑप्शन पर थोड़ा सा क्लिक करके रखना होगा। रखने के बाद यहाँ पर जो मिनट का घर है वहाँ पर ब्लिंकिंग करने लगेगा, तो आप एडजस्ट पे क्लिक करके इसको बढ़ा सकते हैं। और दोबारा आप मोड पे ऑप्शन क्लिक करके तो यहाँ पर ब्लिंकिंग होने लगेगा। तो यहाँ पर आपको टाइम सेटिंग करना होगा। दूसरी बात यह है, दोबारा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो या ये 12 घंटा का क्लॉक होगा या 24 घंटा, ये आ जाएगा। अगर दोबारा आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो मंथ डे जो है कैलेंडर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके खासियत एक चीज़ है कि इसके पास स्टाम है जो आप इंक्यूबेटर में आसानी से ऐसे रख दे सकते हैं, देखिए। तो फ्रेंड्स, इसका बहुत बड़ा सेक्रेट सेटिंग है। तो यहाँ पर देखिए 23.4 डिग्री सेल्सियस पे ये जो टेम्परेचर है दिखा रहा है। तो आप इसको फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपको सिंपली इस स्टेम को उठाना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक छोटा सा ब्लैक कलर का ये देखिए कुछ मिलेगा, ये देखिए। तो सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ये देखिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो टेम्परेचर सेल्सियस में है वो फारेनहाइट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा, ये देखिए। ये देखिए फारेनहाइट में चेंज हो गया है। तो मैं दोबारा आप यहाँ पर प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली सेल्सियस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही था आज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।